हाँ निकाल के गए थे और क्या लेने का था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखिए, आज के हमारे दिन की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के साथ में। तो यहाँ पर है ना, मैंने 2 प्लेट छोले भटूरे मंगवा लिए थे और इसी के साथ में ये जो पूरी होती ना, ये हमने एक्स्ट्रा मंगाई थी। और बड़ी अम्मी और गौसिया जो है दरगाह गए थे ज़्यारत के लिए, और मैं, हस्बैंड और बच्चे सब जन थे। और ये मैंने हस्बैंड के लिए मंगवाई थी आलू के पराठे, और जैन है ना सिर्फ जो सूखी पूरी होती है ना वही खा रहा था, क्योंकि उसने कहा कि नहीं मुझे छोले नहीं पसंद है बोल के। और अभी मैंने इसी के साथ में मंगवाई थी यहाँ पर चाय, और चाय ना इनकी बहुत अच्छी लगती है मुझे, बाहर जो चाय मिलती है ना उससे यहाँ पर ये सत्यम होटल की चाय का टेस्ट अच्छा होता है। और हमें ना बोलकर मंगवाते हैं कि थोड़ी हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, और सब हम फ्रेश हो गए थे। और अभी हम जा रहे हैं आज सारी दरगाहों की ज़्यारत के लिए। और यहाँ पर है ना जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो अंदर नहीं आती है होटल के पास में, क्योंकि बहुत सारी दुकानें होती है, क्राउड ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अभी हम आ गए थे ऑटो से, एक पॉइंट पर उतर गए हम आके दिल्ली गेट के यहाँ बाहर मेन साइड में। और यहाँ पर अभी हमारी गाड़ी आने वाली है, और जोहेब देखिए कितनी मस्ती कर रहा था और धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी। और फाइनली अभी हम सब बैठ गए हैं, और अचानक से देखिए रास्ते में जो है मौसम चेंज हो गया था, माशाल्लाह से इतना सुहाना मौसम लग रहा था, बारिश आ रही थी। और कहीं पर मतलब ऐसे हो रहा था ना रास्ते रास्ते में, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश थी और कहीं पर रोड पूरा सूखा था, और आधे से ज़्यादा रास्ते में तो हमें बारिश ही मिली। यहाँ पर सबसे पहले हम जा रहे हैं ताटोटी शरीफ, फिर यहाँ से हम जाएंगे सरवार शरीफ, फिर हम जाएंगे मामू जान के मज़ार पर। तो आज का पूरा दिन हम दरगाहों की ज़्यारत करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, मौसम हो रहा है बारिश के जैसा, लेकिन यहाँ पर देखिए अब बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, और हमें वहाँ पर पीछे साइड में बहुत बारिश मिली। और माशाल्लाह से देखिए गुंबद दिख रहा है, बहुत ही मतलब अच्छी दरगाह है, सुकून लगता है। और यहाँ पर अभी सब हम आ गए थे फूल वगैरह लेने के लिए, क्योंकि दरगाहों पर जाना तो फूल वगैरह चादर पेश करने से अच्छा लगता है। मतलब यूँ सोच लीजिए, आप अगर किसी मेहमान के घर जाते हो तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता है, तो वैसे ही हम एक एहतराम के हिसाब से यहाँ पर ले लेते हैं। और यहाँ पर है ना ये अगरबत्ती की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो यहाँ से हम ये अगरबत्ती भी अक्सर लेते हैं जब भी हम आते हैं तो। और बड़े अम्मी है ना फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हुए हैं, बड़े अम्मी गौसिया और मेरी जेठानी का लड़का, तो अच्छे से मतलब पूरा ना अतराफ का पूरा गांव है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और है ना जोएब बहुत परेशान कर रहा था, कह रहा था कि नहीं मुझे ही मतलब फूल वगैरह पकड़ना है। और यहाँ पर लाइन से बहुत सारी दुकानें थी फूल वगैरह की और होटल थी। और अभी हम जा रहे हैं अंदर दरगाह की ज़्यारत के लिए, और माशाल्लाह से बहुत सुकून लगता है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगता है। और इनका आप गुंबद भी देखोगे तो बहुत ही प्यारा गुंबद है। दरगाह का ना थोड़ा काम वगैरह भी चालू था, और अभी हस्बैंड वगैरह सब जन चले गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये देखिए आपका नाम है हज़रत सैयदना शेख कासिम बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, ये है ना बगदाद शरीफ से आप यहाँ पर आए थे। और ये देखिए अभी हम सब जा रहे हैं अंदर, और यहाँ ना बाहर कवाली वगैरह भी चालू थी हर दरगाहों के पास में, आपने देखा होगा हमने गरीब नवाज़ के यहाँ पर भी आपको दिखाए थे, हर दरगाह के यहाँ पर है ना कवालियाँ चलती है और बहुत अच्छा लगता है। और आज है ना जुमेरात का दिन है, तो और भी मतलब ज़्यादा पब्लिक आती है। और यहाँ पर अभी हम ना जल्दी आ गए थे, क्योंकि है ना हमें और भी दरगाहों की सब ज़्यारत करनी थी, तो हम जल्दी यहाँ पर आ गए ताकि हमें ना रात में वापसी में ज़्यादा टाइम ना हो। और यहाँ पर अंदर लेडीज़ अलाउड नहीं है, जेंट्स लोग ही जाते हैं। और इसके पीछे तरफ में मस्जिद की जगह है, और ये साइड में लेडीज़ नमाज़ पढ़ती हैं। और माशाल्लाह से देखिए मौसम भी कितना प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। Oh
माशाल्लाह से हमारी यहाँ पर ज़्यारत मुकम्मल हो गई थी, तो बाहर निकल रहे थे, लेकिन मैंने कहा सबसे कि एक फ़ैमिली फ़ोटो बनती है, पता नहीं हम वापस यहाँ पर कब आएंगे सब साथ में, क्योंकि अभी बड़ी अम्मी भी आए हुए हैं सब है, तो इसके लिए मैंने कहा कि चलो आप सब लोग मिलकर है ना एक फ़ोटो ले लीजिएगा बोल के। और मैं तो खैर ज़्यादा फ़ोटो निकालती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा फ़ोटो निकालना पसंद नहीं है इतना, तो मैंने सबकी फ़ोटो ले ली थी। एक मैंने भी हस्बैंड के साथ में बड़े अम्मी के साथ में निकाली थी। और ये देखिए यहाँ पर अभी बच्चे ना सब खड़े हो गए थे पापड़ वगैरह लेने के लिए। यहाँ का ना पापड़ बहुत ही अच्छा लगता है, मसाला पापड़, और आप बिलीव नहीं करोगे 10 रुपीज़ ऑनली मिलता है, 10 रुपये का सिर्फ रहता है पापड़ ये। और इसी के साथ में यहाँ पर है ना नाश्ते के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑमलेट वगैरह, चाय है, कटलस वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन बच्चों को ना ये पापड़ वगैरह बहुत पसंद है यहाँ का। और वही जैन, रेहान और हम सब ने ना यहाँ पर अभी पापड़ लिए हैं। और जैन तो है ना मसाला बहुत ज़्यादा डलवा के लेता है, और जोहेब के लिए मैं विदाउट मसाला लेती हूँ, क्योंकि मिर्ची पाउडर जैसे रहता है ना तो आँख में चला जाएगा। और अभी हम यहाँ से वापसी ले रहे हैं, और हल्के हल्के ना बादल यहाँ भी गरजना स्टार्ट हो गए थे, थोड़े थोड़े बादल गरज रहे थे, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं थी। मौसम तो बन रहा था बारिश का, लेकिन बारिश नहीं आई थी। और यहाँ देखिए सारे अत्तर की फूलों की दुकानें हैं सब है, और अभी हम निकल रहे हैं वापस। और इस गांव का नाम है ना टाटोटी शरीफ है, यहाँ पर है ना ये गांव का पूरा नाम टाटोटी शरीफ है। आप सरवार शरीफ जाने के लिए आओगे ना तो उसके 1 घंटा पहले राइट साइड में रास्ता जाता है, बाहर ही आपको ना इसका बोर्ड मिल जाएगा, ये बोर्ड पे ना पूरी साइन बनी हुई है अंदर की। और अभी ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है हमारी निकलना, और माशाल्लाह से देखिए यहाँ का ये जो गेट है, दरगाह से थोड़ा पहले ये गेट आता है, और अभी हम एंट्री कर रहे थे जब भी तो मैंने नहीं ले पाई थी। ये देखिए एग्ज़िट के टाइम में मैं आपको गेट दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सारे गांव के ना पूरे खेत वगैरह है, हमें तो यहाँ बॉम्बे वगैरह में तो ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है देखने के लिए, ये सब बहुत अच्छा लगता है जब हम बाहर देखते हैं तो। और जोहेब भी देखिए कितने मज़े में पापड़ इंजॉय कर रहा है, और है ना सबको अभी ना थोड़ी भूख लग गई थी, तो हमने सोचा सरवार शरीफ जाएंगे तो वहाँ पर हम खाना वगैरह खा लेंगे। और जोहेब भी ना बहुत मतलब मस्ती कर रहा था, ये देखिए कितना अच्छा मौसम लग रहा था, और सब जन पापड़ इंजॉय कर रहे हैं। और है ना नात कवाली वगैरह चल रही थी गाड़ी में, हमने लगा रखे थे कवाली वगैरह, तो और भी जोहेब है ना बहुत ज़्यादा मतलब है ना ध्यान से सुन रहा था। और ये देखिए ये आ चुके हैं हम सरवार शरीफ के लिए, और यहाँ पर है ना एक टोल आता है बीच में, और ये देखिए कितना अच्छा सा इन्होंने बनाए हुए हैं सरवार करके, आई लव सरवार, ये तो आजकल है ना हर जगह मतलब ऐसे बना रहता है, जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे में भी मतलब स्टार्ट हो गया है आई लव जू बीच, आई लव बॉम्बे, हर जगह मतलब ये सब बना रहता है। और यहाँ अजमेर शरीफ के यहाँ पर भी ना काफ़ी सारी जगह मतलब ये बना है। और यहाँ देखिए अभी हम पहुँच गए हैं सरवार शरीफ, और यहाँ पर भी ना बारिश नहीं हुई थी, पूरा सूखा था यहाँ पर भी। और ये देखिए माशाल्लाह से गेट कितना खूबसूरत लग रहा है, बुलंद दरवाज़ा कहते हैं इसे। और अभी हम सब जा रहे हैं चादर वगैरह फूल लेने के लिए, यहाँ पर हमने ना इन्हें चादर वगैरह फूल का बता दी थे कि आप ऐसे ऐसे लेकर आ जाइएगा, वो है ना डायरेक्ट अंदर ही लेकर आके दे देते हैं, बहुत सारी जगह हमें लेके जाना होता है, लेकिन यहाँ पर अक्सर हम जब भी लेते हैं ना तो वो वहाँ पर ला के दे देते हैं, अंदर खुद है ना लेकर आ जाते हैं। और अभी हम सब एंट्री कर रहे हैं सरवार शरीफ जाने के लिए, और बड़े अम्मी बता रहे थे कि वो लास्ट टाइम आए थे तो जब भी मतलब सरवार शरीफ नहीं आए थे, जो आज से 30 साल पहले यहाँ पर आए थे वो गरीब नवाज के यहाँ पर, तो वो सिर्फ गरीब नवाज के यहाँ ज्यारत कर कर चले गए थे। और आप है ना हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के ना बड़े बेटे हैं, हज़रत फ़खरुद्दीन चिश्ती नाम है आपका, और बहुत ही मतलब अच्छी दरगाह है इनकी। हम जब से मतलब पहली दफ़ा जब से स्टार्ट करें हैं गरीब नवाज के यहाँ आना, तो अक्सर कर कर हम यहाँ पर भी ज़रूर आते हैं यहाँ पर, और मामू जान की मज़ार पर। और यहाँ भी देखिए बहुत सारे फूल वाले हैं, वहाँ पर से हमने इसके लिए ले लिए क्योंकि हमें गाड़ी लगाने के लिए ना जगह मिल जाती है। और यहाँ पर अभी हम एंट्री कर रहे हैं, और जोहेब भी है ना चला गया था वज़ू बनाने के लिए, और सबको देखता है ना वो वज़ू बनाते हुए, तो खुद भी है ना सेम वैसे ही बनाने लगता है, जैन को हस्बैंड को देखता है ना तो खुद भी बनाता है। हम लोग बोल रहे थे नहीं, हस्बैंड कह रहे हैं लाओ दो मैं बनवा देता हूँ तुम्हारा वज़ू, तो बोलता है नहीं नहीं मैं खुद से करूँगा खुद से करूँगा। तो अभी वही हम उसे कह रहे थे कि जल्दी जल्दी बनाओ पानी वेस्ट होगा बोल के। और यहाँ पर देखिए कवालियाँ यहाँ भी चल रही हैं, नीचे भी कवाली पड़ रहे थे, ऊपर भी चालू है, और है ना वो बैठ गया था लास्ट टाइम भी हम आए थे ना जब भी, तो ऐसे डफ लेके ना बैठ जाता है खुद ही बजाने के लिए। और यहाँ अभी हम सब जा रहे हैं ऊपर ज़्यारत के लिए। और यहाँ पर पहले जब हम स्टार्टिंग में आते थे ना, आज से फर्स्ट टाइम हम जब आए थे यहाँ पर, तो 10 साल पहले मैं आई थी यहाँ पर हमारी शादी के बाद में,
लेकिन यहाँ ना अंदर लेडीज़ का अलाउड नहीं था जाना। अभी है ना यहाँ पर लेडीज़ का स्टार्ट कर दिए हैं ये लोग ने जाने के लिए। मेरा दिल नहीं मानता इसके लिए, हम नहीं जाते हैं। और मेरी फैमिली वाले भी आते हैं ना तो मैं उन्हें भी मना करती हूँ, क्योंकि हम गरीब नवाज़ के यहाँ तो स्टार्टिंग से जाते थे अंदर, और यहाँ पर है ना अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो इसके लिए हम नहीं जाते हैं, बाहर से ही ज़्यारत कर लेते हैं, हस्बैंड बच्चे वगैरह चले जाते हैं। और यहाँ पर अभी गर्मियों का मौसम चल रहा था, मतलब बारिश का तो है लेकिन इतनी बारिश नहीं हो रही है। हम अक्सर करके जब ठंडी में आते हैं ना तो यहाँ पर पूरा पानी भरा रहता है। और वो देखिए मामू जान की मज़ार का गेट है वहाँ पर, और वहाँ से भी ना यहाँ का भी दिखता है। और अभी यहाँ पर कवाली वगैरह चालू है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून लग रहा था। और जब हम आम टाइम में यहाँ पर आते हैं ना ठंडियों के टाइम में, या जब ज़्यादा बारिश होती है तो पूरा पानी भरा रहता है, और हम ब्रेड का पैकेट है ना नीचे मिलता है या हम घर से लाते हैं, इतनी सारी मच्छियाँ होती हैं ना जैसे अना सागर में रहती है, तो वैसे हम मच्छियों को ना यहाँ पर ब्रेड वगैरह डालते हैं। और मौसम भी देखिए, धूप थी यहाँ पर भी है ना, बारिश वगैरह नहीं हो रही थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। और जुहैब भी देखिए, कवाली वगैरह चल रही थी तो खुद भी मतलब है ना ये जैसे सज्जन करते हैं ना वैसे खुद भी मतलब रक्स कर रहा था। और यहाँ देखिए अंदर भी चला गया है वो ज्यारत करने के लिए। और देखिए आप कितनी सारी लेडीज़ वगैरह जा रही हैं अंदर, हमारा दिल नहीं कहा इसके लिए, हम नहीं जाते हैं अंदर। और हस्बैंड ज़्यारत करके पहले बाहर आ गए थे, और इतने में हमारा जो फूल हमें पेश करना था तो वो भैया आ गए थे फूल वगैरह लेकर, तो अभी अंदर जा रहे हैं वापस से। और जुहैब ना ज़िद कर रहा था कि नहीं मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, बहुत परेशान कर रहा था। तो मैंने हस्बैंड को कह दिया कि नहीं आप बाहर भेज दीजिए उसे। और मैं भी बाहर है ना बैठ गई थी फातिहा वगैरह पढ़ने के लिए और दुआ वगैरह करने। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी मज़ार है, बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी देखिए शाम होने आई थी तो सारी लाइटें ऑन हो गई थी यहाँ पर, जब हम आए थे तो सारी लाइट्स वगैरह ऑफ थी यहाँ पर। और अभी यहाँ से हम जा रहे हैं वापसी के लिए। और नीचे देखिए यहाँ पर जो खादम वगैरह रहते हैं या नीचे उनकी मज़ार शरीफ है, और जेंट्स लोग को अलाउड है यहाँ पर जाकर मतलब चादर वगैरह पेश करना, लेडीज़ को नहीं। और यहाँ पर भी देखिए ऐसे देख शरीफ बनाया हुआ है, आपको कुछ भी मतलब डालना हो फातिया वगैरह का पैसा तो आप डाल सकते हो। और अभी हम सब जा रहे हैं बाहर की तरफ, और माशाल्लाह से इतना अच्छा इनका गेट लग रहा था, इतना अच्छा मतलब इतना खूबसूरत लग रहा था, और लाइटिंग वगैरह भी सब ऑन हो गई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और यहाँ पर आप राइट साइड में देखोगे सामने की तरफ में वॉशरूम वगैरह भी अंदर है लेडीज़ जेंट्स के अलग अलग। और ये अभी हम जा रहे हैं बाहर। और बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि आप मज़ार पर जाते हो तो वहाँ से दुआ मांगते हो, लेकिन ये देखिए हम मांगते तो सिर्फ अल्लाह से ही है लेकिन हम उन्हें वसीला बनाते हैं। बहुत वक्त मतलब ऐसे होता है ना कि कभी कभी हमारी कुछ गलतियों की वजह से या कुछ ऐसा होता है कि हमारी दुआएँ अल्लाह ताला मतलब हम जो भी दुआ मांगते हैं वो अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच पाती है, तो बस हम ये एक बुजुर्गाने दीन के वसीले से हम हमारी दुआओं को कबूल करवाते हैं। और यहाँ पर अभी हम आ गए हैं खाना खाने के लिए, हम अक्सर जब भी आते हैं ना यहाँ पर खाते हैं तो यहाँ ना माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा खाना मिलता है, जैसे भुना वगैरह के आइटम हो गए, बाजरे की मकई की रोटी हो गई। हम यहाँ पर ना चपाती नहीं लेते हैं, और यहाँ हमने सिर्फ गौसिया के लिए 2 चपाती ली थी, बाकी हम सब के लिए हमने ना जवारी और बाजरे की रोटियाँ ली थी। और ये देखिए यहाँ पर है ना ये रही मक्के की रोटी और ये रही हमारी बाजरे की रोटी, सॉरी जवारी नहीं, हाँ बाजरे की और मक्के की रोटी। और दाल गोश्त लिए थे, चिकन भुना था, मटन का भुना हमने लिए थे, और एक कोरमा लिए थे हमने। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ का भुना आइटम है ना, बहुत टेस्टी रहता है, और रोटियाँ भी इनकी इतनी अच्छी लगती है, और असली घी में बनाते हैं जैसे ना मक्खन वगैरह लगाकर, पूरा बहुत अच्छा टेस्टी लगता है खाना इनका। और इसी के साथ में हमने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और राइस वगैरह लिए थे। और हम ना कभी भी यहाँ पर आते हैं, अगर हम रात के वक्त में आ रहे हैं तो रात का खाना हम यहीं से खा के जाते हैं, और अगर दिन के वक्त आ रहे हैं तो दिन का खाना, एक दफ़ा खाना हम दिन में ज़रूर यहाँ से खा के जाते हैं जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो। और अभी सबका खाना होने आया था, हम बाहर नहीं बैठे थे यहाँ पर अंदर दस्तरखान में बैठे थे,
क्योंकि है ना कंफर्टेबल भी लगता है और जुहेब है ना बार बार परेशान करके ना भागम भागी करता है, तो इसके लिए हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। और अभी हम निकल रहे हैं वापस, और अभी देखिए शाम हो गई है, शाम के बज रहे हैं अभी 7:30। और यहाँ पर हमारा ना मूड हो रहा था थोड़ा ना बच्चों का केला वगैरह बनाना खाने के लिए, तो यहाँ पर केजी के हिसाब से देते हैं, हमारे यहाँ कैसे दर्जन के हिसाब से मिलता है वैसे नहीं। और अभी हम जा रहे हैं मामू जान की मज़ार के लिए। माशाल्लाह से देखिए कितना खूबसूरत गेट लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, और शाम का वक्त था तो लाइटिंग वगैरह भी अच्छी लगी हुई थी यहाँ पर। और मामू जान की मज़ार है ना, आप वहाँ से देखोगे बाबा फ़कर के, यहाँ से हज़रत फ़खरुद्दीन चिश्ती जब मैंने आपको दिखाई थी तो वहाँ से आप देखोगे तो वहाँ से इनकी मज़ार है ना पूरा गेट दिखता है अच्छा खासा, और यहाँ से आपको वहाँ का गेट दिखेगा, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ भी अभी ना दरगाह का गेट का काम चालू है बनने का, तो आप जब भी यहाँ पर आए तो अपने हिसाब से जितना आपसे हो सके 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ जो भी आपसे हो सके यहाँ पर ज़रूर आप देकर जाइएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर दरगाह की ना तामीर का काम चालू है। और यहाँ से अभी हमने फ्लावर वगैरह ले लिए, थोड़े से फूल वगैरह ले लिए थे अंदर पेश करने के लिए। कपड़े की चादर है ना मैं बहुत कम लेती हूँ, बहुत ही मतलब जैसे ऐसे लगे तो मैं ले लेती हूँ, वरना नहीं, ज़्यादातर वक्त है ना मैं फूल ही मतलब लेती हूँ। फ्लावर वगैरह ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दरगाहों पे पेश करने के लिए। और हम जब पहले आते थे ना तो वहाँ का गेट था, अब हम वहाँ गेट बन रहा है तो ये दूसरी जगह से दे रहे हैं अंदर आने। और ये सब भी ना अभी हम लास्ट ईयर आए थे जब, तो तभी मतलब ये सब बना हुआ था अंदर, ये साइड का जो वज़ू खाना है और उसके आगे वॉशरूम वगैरह है वो सब अभी बना हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं, बहुत ही यहाँ भी ना बहुत ही अच्छा सुकून लगता है, पूरी झाड़ियाँ हैं और आप उसके आगे की तरफ में देखोगे ना तो पूरे गुलाब वगैरह के झाड़ है। और यहाँ पर 3 मज़ार शरीफ है, हज़रत मामू जान की है और उसके सामने एक मज़ार है और एक आगे है। ये देखिए ये मेन मज़ार है गरीब नवाज़ के साले साहब की, और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा मतलब है ना बहुत सुकून लग रहा था, एकदम पीसफुली लग रहा था। यहाँ सामने एक मज़ार है और उसके आगे भी एक मज़ार है, और अंदर मस्जिद वगैरह भी है यहाँ पर नमाज के लिए। और जोहेब भी ना बहुत परेशान कर रहा था, मतलब एकदम भागम भागी करना, मुझे दो मुझे दो, सबको देख रहा था, रेहान को जैन को ना तो कह रहा था कि नहीं मुझे भी फूल वगैरह दो मैं भी लेके खड़ूंगा बोल के। और यहाँ पर भी अभी ना आज जुमेरात है तो यहाँ भी कवाली वगैरह स्टार्ट हो गई थी, और अभी हम निकल रहे हैं वापसी के लिए। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पर हम सरवार शरीफ जो दरगाह गए थे हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन की, और इनका गुम्बद भी ना हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के जैसा ही गुम्बद है। और ये रहा इनका गेट। और यहाँ पर है ना हमें रास्ते में थोड़ी बारिश मिली और बिजली तो बहुत ज़्यादा गरज रही थी, और अभी हम यहाँ पर फाइनली पूरा गांव जो है विलेज क्रॉस कर चुके हैं और मेन हाईवे ले लिए हैं। और अभी हमने एक स्टॉप लिए हैं चाय पीने के लिए, जो हमारे ड्राइवर थे ना वो बता रहे थे कि ना चाय बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पर, कुल्लड़ वाली जो चाय हम पीते हैं ना बॉम्बे में वैसी चाय मिलती है, बहुत अच्छी लगती है। तभी हम वही है ना सब चाय पी रहे थे क्योंकि ठंडी भी बहुत लग रही थी, रास्ते में ठंडी ठंडी हवाएं थी। और ये देखिए अब फाइनली हम पहुंच गए हैं दरगाह के पास में, और हस्बैंड है ना आगे चले गए थे और जुहेब है ना मस्ती कर रहा था कि नहीं मुझे खिलौने वगैरह चाहिए। अभी वही मैं तो उसे थोड़े ना टॉयज़ वगैरह दिला रही थी, बच्चों का ना ऐसे ही होता है जहाँ पर खिलौने वगैरह दिख गए तो परेशान करने लग जाते हैं। और जैन तो अभी थोड़ा माशाल्लाह से समझदार हो गया है तो वो ज़्यादा नहीं सताता है, वो खुद खुद देखिए वो जोएब छीनने जा रहा है तो उसके हाथ से ना छीन के रख रहा है, नहीं बेटा रख दो करके एकदम मतलब ऐसे ना बड़े भाई की तरह उसे करता है। और ये रहा यहाँ पर पूरा गोटी सोडा वगैरह। और इसी के साथ में ना मुझे घर से फ़ोन आया था कि मेरी सिस्टर का कि ना दीदी लास्ट टाइम हमने ना वो अगरबत्ती वगैरह का मोमबत्ती जलाने का लिए थे कैंडल का, तो वो लैंप वगैरह आप लेकर आओ बोल के लालटेन जैसी, तो यही हम ले रहे थे क्योंकि वीडियो वगैरह हम बनाते हैं ना कुकिंग वगैरह की, तो उसमें ना साइड में रखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर कुछ है ना सूर्य वगैरह दुआएं लिखी हुई प्यालियाँ वगैरह भी थी, जैसे हम पानी इसमें रख दो और दम करके पी लो, और मुझे ना ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि जैसे मसाला वगैरह कूटने के लिए बहुत अच्छा है, रफली हमें जैसे मसाला कूटते हैं ना जाड़ा जाड़ा उसके लिए, तो मुझे ना ग्रीन कलर का चाहिए था क्योंकि वाइट है ना ऐसा लगता है जैसे हम दवा खाने का ले रहे हैं, दवा खानों में ना छोटे बच्चों को अक्सर दवाइयों के लिए दिया जाता है मतलब दवाइयाँ इसमें कूट के देते हैं, और ये ग्रीन कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो इसके लिए मैंने ग्रीन कलर में ले ली। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और रेहान ज़िद कर रहा था कि चाची मुझे है ना ये तलवार दिलाओ बोल के, तो उसके लिए अभी एक तलवार वगैरह मैं देख रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर है ना वो छोटी सी एक तलवार आती है ना,
तो वो बोल रहा था कि चाची मुझे ये दिलाई है बोल के, तो रेहान के लिए मैंने वो ले ली। और जैन ने तो कहा कि नहीं मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ से, मैं कल ले लूँगा। और फाइनली अभी हम पहुँच रहे हैं हमारी होटल के लिए। और भी ना थोड़ा कुछ सामान लेना था, तो बच्चे परेशान कर रहे थे, रेहान और है ना जोहेब वगैरह, ये चाहिए वो चाहिए। तो मैं उनको मना कर रही थी कि नहीं अभी चलो घर पर, बाद में देखते हैं, जोहेब को हम छोड़ कर है ना सुकून से पूरी शॉपिंग कर लेंगे। और बच्चों को अभी है ना मैं ऊपर भेज रही थी हस्बैंड के पास में। और मैं बड़े अम्मी गौसे आ गए थे छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए, गौसे को थोड़ा जूती वगैरह लेनी थी। तो अभी इसकी पूरी शॉपिंग की वीडियो मॉर्निंग में अभी हम जाके शॉपिंग करेंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। मेन पैसा रहना। ये क्या है? ये पता नहीं, तालाब जैसे कौन।